हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे सब्जी पे है, हरी सब्जी पे, जिसके बारे में लोगों की सोच गलत है और गलत बातें उसके बारे में फैलाई गई है मार्केट पे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुंदरू सब्जी की, जो कि एक बेल वर्गीय पौधों से अपने को प्राप्त होता है ना। इसके सेमी की तरह, परवल की तरह इसमें भी लताएं होती है, जिससे में फूल बनते हैं और वो फूल जो है फल पे बनते हैं। इन फलों का यूज हम लोग सब्जियों के रूप में करते हैं। मैंने सुना है, आप लोगों भी सुना होगा, ये कुंदरू सब्जी जो है बुद्धि का नाशक होती है, बुद्धि नाश कर देती है, बुद्धि कम कर देती है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। पुराने जमाने में होता क्या था कि जब घरों में सब्जियां लगाई जाती थी, तो ये जो कुंदरू की सब्जी है, ये बिना लगाए अगर इसकी एक बेल भी आप जमीन में डाल दें तो अपने आप हो जाती थी और अपने मौसम में फिर से बिना मौसम के मर के अपने मौसम में फिर से वापस आके क्या है फूलने फलने लग जाती थी। तो इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा, जिससे कि जो सब्जी के बेचने वाले लोग, उनका घाटा होने लगा और उन्होंने ये भ्रांति फैला दी कि कुंदरू का उपयोग करने से बुद्धि कम होती है, बुद्धि का नाश होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुंदरू सब्जी का आप यूज़ करें, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसमें विटामिन बी और आयरन प्रचुर मात्रा में रहता है। इसका यूज़ करके आप थकान को दूर कर सकते हैं, इससे आप मोटापे को कम करने में इससे मदद मिलती है। शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया सब्जी है, अगर उसमें आलू आप मिक्स ना करें तो ये जो कुंदरू है मैंने छत पे लगा कर रखी हुई है, पॉलीथीन बैग पर लगा कर रखी हुई है। तो आइए देखते हैं हमने कैसे इसे लगाया है और कैसे आप लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 18 इंच के पॉलीथीन बैग लिए, क्योंकि एक लगभग 4-5 लोगों के लिए सब्जी मिल पाना एक लता से, एक बेल से पर्याप्त नहीं होता। इसलिए मैंने लगभग 5 बैग्स जो है उनका उपयोग करके इस सब्जी को लगाया है। इसको लगाने के लिए आप कहीं भी किसी के यहाँ भी जाकर या कहीं पर भी किसी के भी खेत या बाड़ी में आपको अगर ये कुंदरू दिखती है, तो उसकी एक छोटी सी लता को, थोड़ी मोटी पुरानी टहनी को, लगभग इस आकार की टहनी को आप तोड़ कर ले आएँ, लगभग 6 इंच से 7 इंच, जिसमें ये गांठी बंधे हों, और इस लगभग 2 गांठ जो है उसको आप मिट्टी में गड़ा दें और ऊपर लगभग 2 गांठ ऊपर छोड़ दें। तो होगा क्या कि कुछ दिनों बाद, लगभग ये 10-11 दिनों में क्या होगा, इसमें से उस गांठ में से नए पत्ते निकलने चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। मिट्टी सेम वही है, वैसे ही तैयार करना है। जैसे कि एक भाग मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें एक भाग रेती लें, एक भाग गोबर खाद लें और एक भाग मिट्टी और एक भाग गोबर खाद, ये मिक्स करके हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। और उन्हें हम क्या करेंगे, जो तना हम जो काट कर लाए हैं 6 इंच 8 इंच का, उसको अपन लोग क्या करेंगे, मिट्टी में लगा देंगे। कुछ दिन बाद ये अपने आप निकल जाएगी। दोस्त, इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बीच बीच पर, क्योंकि ये पॉलीथीन पर लगा हुआ है, ज़मीन पर नहीं है, बीच बीच पर आप लगभग 15-15 दिनों में इसके जो ये मिट्टी है इसके किनारे किनारे आप लगभग कोड़ा देके इसमें आप गोबर खाद डाल दें बस, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग इन जो 5 जो अलग अलग पॉलीथीन बैग्स हैं, इनमें जो मैंने कुंदरू लगाया है, लगभग ये मुझे सप्ताह में 2 बार सब्जी, 4 लोगों के लिए 2 बार सब्जी एक सप्ताह में निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, बिल्कुल आप अपने छत पर लगाइए और इसका उपयोग कीजिए। और ऐसा ना सोचिए कि इसको खाने से दिमाग कम होता है, ये बिल्कुल बहुत पौष्टिक सब्जी है और इसका यूज़ आयुर्वेद में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसका नाम बिम्बी के नाम से इसे पहचाना जाता है। और इसका यूज़ विटामिन बी के लिए, शरीर की थकान दूर करने के लिए, शुगर के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये देखिए, लगभग ये मेरा जो कुंदरू का पौधा है, लगभग 1 साल भर पुराना है और देखिए कितने अच्छे से फैल गया है। ये होता है क्या है कि अपने मौसम में फल देना कम कर देता है और अपने पत्ती, पुराने पत्तियों और लताओं को सुखाना चालू कर देता है। इसकी जगह पे नए नार, नए बेल और उसमें पत्ते आने लगते हैं और साथ ही साथ फूल आने लगते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें छोटे छोटे फल इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, छोटे फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। ये लगभग मुझे ये जो छोटे छोटे फूल और उनसे जो फल बने, लगभग 1 सप्ताह में मेरे लिए तैयार हो जाएंगे और लगभग कम से कम ये आधा से 3 पाव के आधा किलो से 3 पाव के आसपास मुझे
मिल जाएगा और इतनी सब्जी 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो मेरे जो नए वीडियोस हैं, नए सब्जियों के बारे में जो जानकारी है, फूल पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है, वो आपसे आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जल्दी से आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, इससे अच्छा आप उस वीडियो को उस चैनल में बेल आइकन का यूज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तुरंत ही मेरी नई अगली वीडियो आने पर आपको पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।